देश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कभी पीएसी बल की बड़ी भूमिका होती थी। एक साजिश के तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई, उसका गठन ही नहीं होने दिया। पीएसी होती तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता? पीएसी होती क्या बरेली में कर्फ्यू रहता? लेकिन पीएसी की यूनिट जितनी कंपनियां थी उनको एक एक करके बंद किया जा रहा था। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था। और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की थी, एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद पुलिस भर्ती में सफल हुआ लेकिन बाद में उसको उससे निकाल दिया गया। परिणाम क्या स्थिति थी? उसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिल पाया और फिर उसने घर में जाके सुसाइड किया। लेकिन 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है। और 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54 पीएसी की कंपनियों को फिर से बहाल करने का काम भी हम लोगों ने किया है और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हम लोगों ने फिर से प्राप्त कर लिया है।